क्या आप तैयार हैं 350 करोड़ की बजट में बनी एक बहुचर्चित फिल्म देखने के लिए, जिस फिल्म की शूटिंग अलग अलग महाद्वीप के 7 देशों में हुई है? ऐसी फिल्म जिसका इंतजार लाखों दर्शकों नहीं करोड़ों दर्शक कर रहे हैं। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस फिल्म के बारे में इसी वीडियो में। Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. कंगुआ की कहानी एक ऐसे योद्धा के बारे में है जो अपने गुट को बचाने के लिए एक हैवान से लड़ता है। फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे सूर्या का किरदार एक ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता ने 3 बड़े साम्राज्यों को हरा दिया। फिल्म में सूर्या को आग, पानी और जंगल जैसी तीनों जगहों पर लड़ते हुए देखा जाएगा। फिल्म में बॉबी देओल जो एक और एक मुख्य चरित्र में है, एक बेरहम राक्षस का किरदार निभा रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जिसको बहुत से दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की डिटेल्स के बारे में हम आज इसी वीडियो पर जानेंगे। इस फिल्म में सूर्या का किरदार ऐसे राजा पर आधारित है जिसकी वीरता देख 3 बड़े साम्राज्य का राजाओं का गला सूख गया था। पिछले साल आई कमल हसन की फिल्म विक्रम में तमिल सुपरस्टार सूर्या का बस एक छोटा सा केमियो था। रोलेक्स भाई के रोल में कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आए सूर्या को देखकर लोगों के मुंह खुले रह गए थे, मगर जब उनकी अगली फिल्म सूर्या 42 से उनका मोशन पोस्टर आया तो सिनेमा फैंस की होश उड़ गए। सूर्या 42 के नाम से जाने गए इस प्रोजेक्ट का नाम अब चेंज कर कंगुआ रखा गया। ये फिल्म तमिलनाडु में 1500 साल से पहले हुए एक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। कंगुआ, जिसका मतलब होता है आग की शक्ति वाला आदमी। ये फिल्म शिवा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। कंगुआ 2 घंटे 34 मिनट की रन टाइम के साथ यूए प्रमाणित किया गया है और शिवा की शानदार फिल्म होने जा रही है। आज तक की शिवा द्वारा निर्देशित सबसे शानदार और बेहतर और दमदार फिल्म होने जा रही है। कंगुआ की सेंसर प्रक्रिया का विवरण ने प्रशंसकों को चौंका दिया है। भले ही सेंसरशिप के दौरान कंगुआ के लिए कोई कट नहीं किया गया था, लेकिन बोर्ड ने फिल्म में लगभग 10 खून के दृश्यों को संशोधित किया है। सूर्या, जिन्हें पूर्ण लंबाई वाले एक्शन ड्रामा में नहीं देखा गया है, कंगुआ के माध्यम से पहले कभी नहीं देखी गई फिल्म देने की संभावना है। इस बीच कंगुआ के संपादक निषाद यूसुफ की मौत ने टीम और प्रोसेसों को चौंका दिया और 43 वर्षीय संपादक कोची में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। कंगुआ में सूर्या ने दोहरे भूमिका निभाई है, जिसमें एक भयंकर योद्धा और समय के पार जुड़े एक आधुनिक समय के चरित्र को भी दर्शाया गया है। दिशा पटनी और बॉबी देओल मुख्य भूमिका निभाते हुए आपको इस फिल्म में नजर आएंगे और दिशा पटनी और बॉबी देओल जो तमिल में पहले फिल्म मैं काम करते हुए आपको नजर आएंगे, जबकि योगी बाबू और अन्य शक्तिशाली प्रदर्शन के साथ कहानी का समर्थन करते हैं। फिल्म में पौराणिक तत्वों के साथ तीव्र एक्शन का जोड़ा गया है जो वीरता और भाग्य की कहानी दिखाती है। एक विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कंगुआ एक शानदार दृश्य अनुभव का वादा करता है। कंगुआ एक ऐतिहासिक फिल्म शिवा द्वारा लिखित और निर्देशित एक तमिल फिल्म है। सूर्या मुख्य भूमिका में है। इसके साथ बॉलीवुड सुंदरी दिशा पटानी और हास्य अभिनेता योगी बाबू और कई अन्य सहायक भूमिकाओं में भी हैं। दिशा पटानी ने पहले ही एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और मलंग जैसी फिल्मों में अपने काम के साथ अपने लोकप्रिय इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए तमिल दर्शकों के बीच एक अच्छा खासा प्रशंसक आधार बना लिया था।
ये आगामी तमिल डेब्यू निश्चित रूप से उद्योग में और दर्शकों के बीच एक स्टार के रूप में उनकी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। रॉकस्टार देवीश्री प्रसाद ने इस फिल्म के लिए साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है। निर्देशक शिवा ने कहा कि उन्हें कंगुआ का शीर्षक घोषित करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जो अग्नि की शक्ति वाला एक व्यक्ति है जिसे सूर्या ने स्क्रीन पर शानदार ढंग से चित्रित किया है, जो फिल्म प्रेमियों के लिए एक उल्लेखनीय विशिष्ट और रोमांचक अनुभव होगा। जैसे ही फिल्म का फिल्मांकन समाप्त हो जाएगा, रिलीज का तारीख घोषणा कर दिया जाएगा, जो कि पहले निर्देशक शिवा ने कहा था, और 2 वर्षों के काम के बाद आखिरकार फिल्म की रिलीज डेट को घोषित कर दिया गया है और इस फिल्म को 14 नवंबर के दिन रिलीज कर दिया जाएगा। बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म कंगुआ ने 2 साल के निर्माण के बाद अंततः 14 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूर्या, जो 2022 के बाद से किसी फिल्म में नहीं दिखे, विक्रम फिल्म में एक संक्षिप्त उपस्थिति को छोड़कर, एक कैमियो को छोड़कर, कंगुआ में मुख्य भूमिका निभाएंगे। कंगुआ की अवधि 2 घंटे 34 मिनट 48 सेकंड की है और ये एक बेहतरीन रन टाइम है, ना बहुत लंबा है और ना बहुत छोटा है। और निर्देशक शिवा ने एक मनोरंजक फिल्म बनाई है, जो एक रन टाइम अच्छी एक्यूरेसी के साथ पर्याप्त शो को सुनिश्चित करेगा, जिससे बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद रखी जाती है। फिल्म को बड़े पैमाने को देखते हुए कंगुआ से काफ़ी उम्मीदें हैं। निर्माताओं ने दावा किया है कि फिल्म प्री बिजनेस के साथ 2000 करोड़ रुपये कमाएगी। ट्रेड के अनुसार एक्शन एडवेंचर फिल्म का तेलुगु डब संस्करण को रिकॉर्ड तोड़ 25 करोड़ रुपये में बेचा गया है, जिसने रजनीकांत और थलपति विजय के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। मशहूर फिल्म एडिटर निशात यूसुफ, जो कि कंगुआ फिल्म के भी एडिटर थे, जो कि 30 अक्टूबर की सुबह को अपने अपार्टमेंट पर मृत पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक उनका शव कोची के अपने ही अपार्टमेंट में सुबह करीब 2 बजे मिला। पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं, मौत का कारण अभी पता नहीं चल पा। 2026 की दिवाली फिल्मों के लिए एक ब्लॉकबस्टर उत्सव की तरह लग रही है, क्योंकि कुछ बड़े बजट की फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली हैं। सिंघम एगेन, भूलभुलैया 3 और कंगुआ बड़े शीर्षक हैं जो सिनेमाघरों में रिलीज होंगे। इसके अलावा एक और पैन इंडिया की फिल्म है जो दिवाली के दौरान बड़ा धमाका कर सकती है। फिल्मों का ट्रेलर को शानदार प्रतिक्रिया मिली है और उसे सुपरस्टार कमल हसन ने प्रोड्यूस किया है। आप जान सकते हैं ये कौन सा फिल्म है? हम बात कर रहे हैं कंगुआ फिल्म के बारे में और फिल्म अमरन के बारे में। कंगुआ फिल्म के बारे में हम बता चुके हैं, फिल्म अमरन के बारे में अगर बताएं तो ये भी एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जो इंडियन मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरी मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित है, जिसका निर्देशन राजकुमार पेरियासामी ने किया है और ये दिवाली 31 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। शिव कार्तिकेयन और साई पल्लवी अभिनीत ये अखिल भारतीय फिल्म मेजर मुकुंद वरदराजन की वास्तविक जीवन कहानी बताती है, जिनकी 2014 में जम्मू और कश्मीर की आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी। 150 करोड़ रुपये की बजट में बनी अमरन तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज हो रही है। इसे 2 घंटा 49 मिनट की रन टाइम के साथ प्रमाणित किया गया है। शिव कार्तिकेयन ने दिगंत भारतीय सैनिक मेजर मुकुंद वरदराजन की भूमिका निभाई है, जबकि साई पल्लवी ने उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी इंदु रेबेका वर्गीस की भूमिका निभाई है। संगीत जी के प्रकाश कुमार ने दिया है और गाने सभी संगीत
प्लेटफॉर्म पर अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। इसके अलावा इसमें भुवन अरोड़ा अपनी तमिल फिल्म की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही राहुल बोस, लल्लू, श्री कुमार, श्याम मोहन, अजय नागा, रमन, मीर सलमान और गौरव वेंकटेश सहायक भूमिकाओं में भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। तो दो बड़ी बड़ी बिग बजट वाली फिल्म है, जैसे कि कंगुआ की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसके साथ अमरन मूवी की भी बात अभी हमने किया। ये दो बड़ी बिग बजट वाली फिल्म इस दिवाली पर रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। कंगुआ, अग्नि की शक्ति वाला मनुष्य एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की काल्पनिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन शिवा ने किया है और स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशन द्वारा निर्मित है। फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका में हैं, साथ ही बॉबी देओल, दिशा पटानी, नटराजन, योगी बाबू भी इस फिल्म में आपको नजर आएंगे। सूर्या और शिवा के बीच इस परियोजना की घोषणा मूल रूप से अप्रैल 2019 में की गई थी, लेकिन भारत में COVID-19 की महामारी और अभिनेता और निर्देशन की अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इसे रोक दिया गया था। इसे अगस्त 2022 में सूर्या 42 के रूप में फिर से लॉन्च किया गया। उस महीने से प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई और जनवरी 2024 में समाप्त होने वाले 17 महीनों तक चली। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, गोवा, केरल आदि स्थानों पर किया गया। तकनीकी दल में संगीतकार, छायाकार और संपादक के रूप में देवीसी प्रसाद, पलनीसामी और निषाद यूसुफ भी शामिल रहे। लगभग 300 से 350 करोड़ रुपए की बजट में बनी कंगुआ अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म से एक है। कंगुआ को 14 नवंबर 2024 में रिलीज किया जाना है। 10 क्रूर दृश्यों को संशोधित करने के बाद फिल्म को यूए प्रमाण भी मिला है। फिल्म का रन टाइम 2 घंटा 34 मिनट का होगा। सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पटानी अभिनीत शिव निर्देशित फिल्म अगर कहा जाए तो सही मायने में सुर्खियां बटोर रही है। निर्माताओं ने नायक नामक एक दमदार गीत जारी करके जनता के उत्साह को एक पायदान ऊपर ले लिया है। ट्रैक में एक घने आसमान और भारी बारिश के गंभीर दृश्यों के साथ खुलता है। बीच में एक दांतेदार चट्टान एक चमकती तलवार के साथ खड़ी है। सूर्या एक सच्चे नायक उर्फ नायक की तरह दृश्य में प्रवेश करते हैं। बारिश में भीगते हुए वो चट्टान पर चढ़ते हैं, उसमें से तलवार निकालते हैं और एक नेता की तरह हथियार को हवा में ऊपर उठाते हैं। जब वो एक खतरनाक जानवर का मुखौटा पहनते हैं, ठीक उसी समय आंधी आती है। दर्शकों को सूर्या के एक गहन अवतार के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। उनके शरीर पर टैटू बने हुए हैं और उनके बेहतरीन लंबे बाल हवा में बेताशा उड़ रहे हैं। हमें अभिनेता का एक क्लोज अप शॉट मिलता है और एक बाज ध्यान आकर्षित करता है जो दर्शाता है कि सूर्या के किरदार में बाज जैसी दृष्टि है, तेज, स्पष्ट और सटीक। एक अन्य दृश्य में सूर्या बड़ी ताकत के साथ घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद कई जानवरों की लड़ाई के दृश्य हैं जो कंगुआ की कहानी की ओर इशारा करते हैं। वीडियो में सूर्या के किरदार को एक ऐसा नेता के रूप में दिखाया गया है जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नायक को राकिब आलम ने लिखा है। ट्रैक के हिंदी संस्करण को अरविंद श्रीनिवास, सेन बागराज, दीपक ब्लू, नारायण रविशंकर, प्रसन्ना अधिशेष, सीबी श्रीनाथन, विक्रम पिट्टी, साई शरण और अभिजीत राव ने मिलकर गाया है। महिला गायकों में पद्मजा श्रीनिवासन, पवित्रा चारी, दीप्ति सुरेश, अपन्ना हरिकुमार, लिबिता लोबो, सुष्मिता नरसिंहसन,
और लता कृष्णा भी शामिल हैं। 23 जुलाई को सूर्या के 49वें जन्मदिन के अवसर पर निर्माताओं ने कंगुआ का पहला गाना फायर रिलीज किया। सूर्या को ड्रेड लॉक के साथ पहले कभी नहीं देखे गए एक लुक में देखा गया। इस गाने में सूर्या को भारी आदिवासी पोशाक में दिल खोल कर नाचते हुए दिखाया गया। ये दर्शकों को एक नई दुनिया की झलक दिखाता है जो अंधेरे से घिरी हुई है, जहां सूर्य आशा की एक ज्वलंत शक्ति के रूप में खड़े हैं जो अपने लोगों को प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। कंगुआ 14 नवंबर से सिल्वर स्क्रीन पर आएगी। अभिनेता रजनीकांत ने चेन्नई में शिवा की सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पटानी की अभिनीत कंगुआ के ऑडियो लॉन्च पर दावा किया कि ये फिल्म मूल रूप से उनके लिए लिखी गई थी। टीम को शुभकामना देने के लिए भेजे गए एक वीडियो संदेश में अभिनेता ने खुलासा किया कि उन्होंने और शिवा ने एक फिल्म की फिल्मांकन के दौरान इस पर चर्चा की थी। रजनीकांत ने बताया कि एक फिल्म के फिल्मांकन के दौरान उन्होंने शिवा से एक पीरियड फिल्म लिखने के लिए कहा था। उन्होंने मजाक में कहा, मैंने शिवा से कहा कि मेरे लिए एक पीरियड फिल्म लिखो, अगर हम साथ मिलकर इस पर काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में जरूर सोचेंगे, इसलिए जब उन्होंने कहानी लिखी तो ज्ञानवेल राजा स्टूडियो ग्रीन प्रोडक्शन हाउस ने सोचा होगा ये बहुत अच्छी है, चलो इसे थोड़ा बदलते हैं और एक फिल्म बनाते हैं। लेकिन सूर्या को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वैसे भी शिवा मेरे लिए एक और पीरियड फिल्म बनाएंगे। अभिनेता ने सूर्या को भी खूब तारीफ की और बताया कि उनके पिता अभिनेता शिव कुमार ने उन्हें ऑडियो लॉन्च का हिस्सा बनने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा, मुझे सूर्या में शिव कुमार की शालीनता, रवैया, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता दिखती है। मैं बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। सूर्या में अपने पिता के सभी गुण हैं। शेर का बच्चा बिल्ली नहीं हो सकता। वे अपनी हर फिल्म में दिल और आत्मा लगाते हैं ताकि दर्शकों के लिए कुछ खास हो। मैं कंगुआ की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं। सूर्या, जिन्हें आखिरी बार 2022 की फिल्म में दिखा गया था, ना ब्रेक के बाद स्क्रीन पर वापसी के बारे में बात की। 27 साल हो गए हैं और आप सभी जानते हैं कि मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन सूर्या की उदय होने के लिए उसे पहले अस्त होना पड़ता है। मुझे खुशी है कि मैं सब झेल चुका हूं। उन्होंने कहा, अन्यथा मेरी इतनी शानदार वापसी नहीं होती। तीरंदाजी में भी आपको आगे बढ़ने के लिए तीर को पीछे खींचना पड़ता है। कंगुआ ऐसा करेगा। कंगुआ 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सूर्या दोहरी भूमिका निभा रहे होंगे, एक योद्धा और एक समकालीन व्यक्ति। शिवा द्वारा निर्देशित सूर्या की फिल्म कंगुआ 14 नवंबर 2026 को रिलीज होने से पहले ही चर्चा का विषय बनी हुई है। शुरुआती समीक्षकों में फिल्म की भव्यता और सूर्या के दमदार अभिनय की प्रशंसा की गई है। पटकथा पर काम करने वाले गीतकार मदन कार्की ने फिल्म के शानदार दृश्यों, विस्तृत कला और सम्मोहक कहानी पर प्रकाश डालते हुए अपनी शानदार समीक्षा साझा की। 8 भाषाओं में रिलीज होने वाली इस फिल्म में सूर्या दिशा पटानी और बॉबी देओल के साथ दोहरी भूमिका में हैं। सूर्या की आगामी फिल्म कंगुआ की रिलीज को लेकर उत्साह साफ झलक रहा है, क्योंकि ये फिल्म 14 नवंबर 2026 को बाल दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली है। सिरुथाई शिवा द्वारा निर्देशित ये महत्वाकांक्षी एक्शन पहले से ही गीतकार मदन कार्की द्वारा अपनी पहली समीक्षा के रिलीज के साथ ही चर्चा में, जिन्होंने पटकथा में भी योगदान दिया है। कार्की ने फिल्म को पूरा संस्करण देखने के बाद सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, मैंने डबिंग प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक दृश्य को 100 से अधिक बार देखा है, फिर भी फिल्म का प्रभाव हर बार देखने के साथ बढ़ता जाता है।
उन्होंने फिल्म के भव्य दृश्यों, विस्तृत कलात्मक और इसकी कथा की गहराई की प्रशंसा करते हुए इस बात पर जोर दिया, संगीत की भव्यता सूर्या के दमदार प्रदर्शन के साथ मिलकर इसे कला के बेहतरीन टुकड़ों में से एक बनाती है। उन्होंने इस शानदार अनुभव को तैयार करने के लिए निर्देशक शिवा और स्टूडियो ग्रीन की प्रोडक्शन टीम का भी आभार व्यक्त किया। कंगुआ को 8 भाषाओं में लगभग 3500 सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। इस विविधतापूर्ण रिलीज का उद्देश्य व्यापक दर्शक तक पहुंचना है। प्रत्येक भाषा संस्करण में सूर्या की आवाज़ को फिर से बनाने के लिए उन्नत एआई तकनीक का लाभ उठाना, प्रामाणिकता और एक सहज देखने का अनुभव सुनिश्चित करना है। इस फिल्म में कई बेहतरीन कलाकार हैं, जिनमें बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी भी शामिल हैं, जो तमिल में अपनी पहली फिल्म बना रही हैं, और प्रतिभाशाली बॉबी देओल भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म में मशहूर कॉमेडियन योगी बाबू भी हैं, साथ ही सूर्या के भाई कार्थी भी खास भूमिका में इस फिल्म में आपको नजर आएंगे। तमिल सिनेमा में सबसे प्रतीक्षित रिलीज में से एक रूप में कंगुआ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चा बटोरी है। व्यापक रूप से साझा की गई कार्की की शानदार समीक्षा से पता चलता है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा में मानकों को फिर से परिभाषित कर सकती है। कई प्रशंसक सूर्या को उनकी सबसे परिवर्तनकारी भूमिका में देखने के लिए उत्सुक हैं, जिसमें वे एक दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, एक आधुनिक समय का व्यक्ति और प्राचीन काल का एक भयंकर आदिवासी सरदार। फिल्म की तकनीकी उपलब्धियों, जिसमें अत्याधुनिक दृश्य प्रभाव और उच्च गुणवत्ता वाली सिनेमेटोग्राफी शामिल है, इसके महत्वाकांक्षी दायरे को रेखांकित करती है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता संगीतकार देवश्री प्रसाद फिल्म को स्कोर के लिए जिम्मेदार हैं, जो एक आकर्षण संगीतमय पृष्ठभूमि का वादा करते हैं जो कहानी को पूरक बनाती है। कंगुआ की वैश्विक रिलीज के लिए तैयार होने और प्राइम वीडियो द्वारा पोस्ट थिएट्रिकल सेटिंग अधिकारों को सुरक्षित करने के साथ फिल्म एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार है। मजबूत शुरुआती समीक्षकों, नवीन तकनीक और एक स्टार कास्ट का संयोजन इंगित करता है कि कंगुआ न केवल सूर्या की वफादार प्रशंसकों को आकर्षित कर सकती है, बल्कि व्यापक दर्शकों को भी आकर्षित कर सकती है। इसलिए तैयार हो जाइए आप शिशु दिवस पर इस मूवी का मजा लेने के लिए।